पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कुछ इलाकों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले 48 घंटों के दौरान खासकर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग, इसके अलावा बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग और जयपुर भरतपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन, तेज अंधड़, हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की, इसके अलावा हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना जो है वो अगले 48 घंटों के दौरान बनी रहेगी। इस सिस्टम का असर अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक होगा, वहीं पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर थंडरस्टॉर्म डस्ट स्टॉर्म की एक्टिविटी रहेगी। इसके अलावा 9 जून को भी उत्तरी राजस्थान के छुटपुट इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। 10 जून से ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कोटा और उदयपुर संभाग के जो दक्षिण पूर्वी भाग हैं यहाँ पर थंडरस्टॉर्म गतिविधियाँ जो है वो अगले 3-4 दिन जारी रहेगी। तापमान की बात करें तो ज़्यादातर स्थानों पर फिलहाल अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, यानी हीट वेव की परिस्थिति नहीं है। आने वाले दिनों में भी आंधी बारिश की गतिविधियों के कारण तापमान जो है वो सामान्य के करीब बना रहेगा, इसमें विशेष उतार चढ़ाव नहीं होगा, इसलिए अगले 4-5 दिन राजस्थान में हीट वेव की संभावना नहीं।